भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिवीर सिंह लवली, महामंत्री अजय रिंटू, जिला मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने कहा कि भासुमा युवा कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सांसद द्वारा करवाए गए कार्य स्वयं बोल रहे हैं, उन्हें कांग्रेस को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा द्वारा 5 जुलाई को हिसाब दो सांसद कार्यक्रम के तहत समीरपुर में सांसद के घर का घेराव करने के कार्यक्रम को भाजपा युवा मोर्चा मुंहतोड़ जवाब देगा। युवा कांग्रेस सांसद से उनके कारगुजारी का हिसाब मांग रही है, तो पहले भी अपनी पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रुके विकास कार्यों और सरकार की नाकामियों के संदर्भ में जनता को स्थिति स्पष्ट करें, उसके उपरांत टीका टिप्पणी करें। भासुमा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने युवाओं को शिक्षा, खेल व अन्य क्षेत्र में उचित प्लेटफॉर्म प्रदान किया है एवं वर्तमान में कई योजनाओं कार्यरत हैं। सांसद द्वारा ग्रामीण स्तर से खिलाड़ियों के उत्थान को सांसद स्टार खेल महाकुंभ का आयोजन अद्वितीय है और स्कूली बच्चों को परीक्षा में अव्वल आने पर भारत दर्शन करवाने की योजना भी अपने आप में ही एक मिसाल है। युवा कांग्रेस के सचिव एवं प्रवक्ता अभिषेक राणा के बयान को हास्यप्रद बताया। उन्होंने बताया कि भासुमा निपटने को तैयार है और समाज विरोधी तत्वों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। अभिषेक राणा मीडिया में टिप्पणी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि यूथ कांग्रेस का कहना है कि सांसद से हिसाब मांगेंगे, सांसद क्यों हिसाब देंगे, हिसाब युवा मोर्चा देगा यूथ कांग्रेस को, पूरी जनता को, क्योंकि हमारे सांसद ने पिछले 4 वर्षों में जो काम किए वो युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी पूरे संसदीय क्षेत्र में हर एक घर में जाके उतारे हैं और लोग खुद इस बात का गवाह हैं कि हमीरपुर के सांसद ने कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, और जो युवा कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि देहरा में यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, मैं ये बताना चाह रहा हूं उनको कि वो पहले अपना ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि देहरा की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अभी सरकार फॉरेस्ट से क्लियरेंस ले रही है और जो जमीन अधिग्रहण का काम है वो कर रही है, और रेलवे की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने 2014 में जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था रेलवे का, तब उन्होंने इस बात के बारे में बात कही थी और उन्होंने पिछले 4 वर्षों में 2700 करोड़ रुपया सेंटर से मंजूर कराया। अब सर्वे का काम पूरा हो रहा है और इससे पहले आज से 60 वर्षों तक कांग्रेस कहाँ सोई रही, आज से पहले क्यों नहीं कांग्रेस को याद आई हमीरपुर में रेलवे लाइन लाने की। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अनुराग सिंह ठाकुर जी का, इन चुनावों से पहले रेलवे लाइन का काम आरंभ हो जाएगा।